हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 इनके लिए हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक लेकर आए हैं वाक्य रूपांतरण, यानी कि वाक्य परिवर्तन। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में हमने पढ़ा था कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद के बारे में जाना था। तो आज हम उन्हीं के वाक्य परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि हम वाक्य परिवर्तन कैसे कहते हैं। तो उस प्रकार वाक्य परिवर्तन भी, जैसे वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, दूसरा हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य। तो उसी प्रकार वाक्य परिवर्तन भी दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करते हैं। तो जब अर्थ के आधार पर हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, जब यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो, तो उसमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ दिए जाता है, यानी कि हम उसमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ देंगे। जैसे विधानवाचक वाक्य है, निर्मला ने खाना बनाया। तो अब इसको हम निषेधवाचक वाक्य में कैसे बनाएंगे कि निर्मला ने खाना नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमने बनाया, यानी कि क्रिया से पहले हमने नहीं लगाया, तो ये निषेधवाचक वाक्य बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से बाकी उदाहरणों को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि वाक्य परिवर्तन किस प्रकार होता है। यदि हम किसी विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो वाक्य के आरंभ में विस्मयबोधक शब्द जोड़ दें। जैसे विधानवाचक वाक्य है, शिखा स्कूल गई, तो इसको हम विस्मयवाचक वाक्य में कैसे बनाएंगे। अरे वाह, शिखा स्कूल गई, यानी कि इसमें विस्मयबोधक शब्द हमने जोड़ दिया, अरे वाह। तो इस तरह से ये विस्मयवाचक वाक्य बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो, तो उसमें उसके जो आरंभ में, यानी उसके शुरू में हम क्या जोड़ देंगे, शायद, संभवतः या हो सकता है, संदेह बोधक शब्द को जोड़ दें, यानी कि जिससे संदेह होता है तो वो शब्द हम जोड़ दें। जैसे उदाहरण बनाकर हम देखते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, तो इसको संदेहवाचक में कैसे जोड़ेंगे। देखिए, संदेहवाचक वाक्य बनाएंगे, शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, यानी कि शायद वो जा सकते हैं, यानी कि संदेह हो रहा है कि जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, दोनों ही बात है, ठीक है। या फिर इस तरह से ही बोल सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, यानी कि हो सकता है वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, तब किसी विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में बदलना चाहते हो, तो उस वाक्य को आदेशात्मक, यानी या फिर उसको कह सकते हैं हम आज्ञार्थक रूप में लिख देते हैं। जैसे जाता है के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जाएं या जाओ, तथा जा रहे हैं के स्थान पर लिखेंगे जाएं या करें, लिखे, यानी कि इस आज्ञा देने वाले शब्द हम इसमें लिखेंगे। जैसे विधानवाचक वाक्य में देखते हैं, दिवाकर विद्यालय जाता है, छात्र अपना अपना काम करते हैं। अब इसको आज्ञावाचक वाक्य किस तरह से बनाएंगे, दिवाकर विद्यालय जाता है को बनाएंगे दिवाकर विद्यालय जाए, या फिर ऐसे दिवाकर विद्यालय जाओ, यानी कि उसे आज्ञा दी जा रही है कि तुम स्कूल विद्यालय जाओ, छात्र अपना अपना काम करें, यानी कि सबको आज्ञा दी जा रही है कि छात्र अपना अपना काम करें। तो इस तरह से हमने विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में हमने बदला और इन्हें सीखा। आगे जब हम अर्थ के आधार पर हम जब वाक्य परिवर्तन करेंगे, तो किसी विधानवाचक वाक्य को
संकेतवाचक वाक्य बनाना हो तो वाक्य में जिसके कहने पर कोई कार्य हो रहा है उसे ऐसे लिखेंगे, यदि वह कहता, यदि वह कहे या यदि वह कहेगा। जैसे हम विधानवाचक वाक्य देखते हैं, माताजी के कहने पर नौकरानी काम करेंगी, तो इसको हम संकेतवाचक वाक्य में बनाएंगे, यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेंगी। तो यहाँ पर अगर माताजी कहेंगी तो काम करेंगी वो, यानी कि वो संकेत अगर देंगी तो ही वो काम करेंगी। तो इस तरह से हमने ये संकेतवाचक वाक्य बनाना सीखा। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो किसी विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्रिया में चाहिए जोड़ा जाता है। यानी कि जब हम किसी विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्रिया में चाहिए जोड़ा जाता है, या उसे अपनी इच्छा या काम अनुसार पूरा बदलना पड़ता है। जैसे हम विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में हम बदलेंगे, जैसे वह जाता है तो किस इच्छा से कैसे बदलेंगे, उसे जाना चाहिए, मुझे खजुराहों के मंदिर देखने की इच्छा है, तो इसको बदलेंगे हम इच्छावाचक वाक्य में, काश मैं खजुराहों के मंदिर देख पाता। तो इसमें देखिए उसकी इच्छा है कि काश वो खजुराहों के मंदिर देख पाता, तो उसकी कामना थी ये। तो इस तरह से हमने ये विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना सीखा। आगे देखिए, यदि जैसे अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो यदि किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में हमें बदलना हो तो विधानवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। यानी जब हम किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो उसमें प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ा जाएगा। जैसे हम विधानवाचक वाक्य को देखते हैं, रसोई ने खाना बना लिया, यानी रसोइये ने, जो रसोई में खाना बनाता है तो उसको हम रसोइया कहते हैं, तो रसोइये ने खाना बना लिया है, तो इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में किस तरह से बदलेंगे, क्या रसोइये ने खाना बना लिया है, यानी कि उसमें प्रश्नवाचक वाक्य हमने बनाया, क्या रसोइये ने खाना बना लिया है, तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक वाक्य हमने बनाया। तो बच्चों, हमने ये अर्थ के आधार पर हमने वाक्य परिवर्तन करना सीखा। अब हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे। जैसे सरल वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बदल लीजिए, यानी कि जो सरल वाक्य होगा उसको दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलिए, फिर उसके बाद उन्हें समुच्चय बोधक और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों द्वारा उसे जोड़ दिया जाता है। जैसे हम सरल वाक्य को हम देखेंगे, चाचा जी गृहस्थी का सामान खरीदने शहर गए हैं, तो ये तो है सरल वाक्य। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे, चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है इसलिए वे शहर गए हैं, यानी पहले हमने इसको दो स्वतंत्र वाक्यों में हमने बदला, चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है, वे शहर गए हैं। तो जब ये दो स्वतंत्र वाक्य हमने बनाए तो इनके बीच में हमने इसलिए लगाया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया, चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है इसलिए वे शहर गए। ठीक है, आगे देखिए, जब हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करेंगे तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे, किस तरह से वो देखिए आप, शाम होते ही पक्षी घोंसले में चले गए, तो देखिए किस तरह से बनेगा, शाम हुई व पक्षी घोंसलों में चले गए, शाम हुई और पक्षी घोंसलों में चले गए, यानी कि पहले हमने सरल वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में हमने बदला, शाम हुई,
पक्षी घोंसलों में चले गए। उसके बीच में हमने वह और ये लगाया तो इससे ये संयुक्त वाक्य बन गया, शाम हुई वह पक्षी घोंसलों में चले गए। इसी तरह से शाम हुई और पक्षी घोंसलों में चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। रचना के आधार पर जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य हम बनाएंगे। पहले हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में हमने बनाना सीखा, अब हम जब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो जब संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संयोजक शब्दों को हटा दें, उसके बाद पहले वाक्य की जो क्रिया का रूप है उसको बदलकर दोनों वाक्यों को ऐसे मिलाएंगे कि वाक्य का अर्थ न बदले, यानी कि वाक्य तो ऐसा ही रहना चाहिए, सिर्फ क्रिया का रूप बदलना चाहिए। जैसे संयुक्त वाक्य है, नीतू ने खाना खाया और सो गई, तो इसको हम सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे, नीतू खाना खाकर सो गई। तो देखिए यहाँ पे खाना खाया, तो इसको हम क्रिया को हम बदलकर खाया की जगह हमने खाकर लिखा, खाकर, तो नीतू खाना खाकर सो गई। तो हमने यहाँ पे क्रिया का रूप बदलकर सरल वाक्य बनाया, तो इस तरह से नीतू खाना खाकर सो गई, तो ये हमने इसका सरल वाक्य बनाया। इसी तरह से आगे हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना हम सीखेंगे। संयुक्त वाक्य है सवेरा हुआ और हम चल दिए, ये तो है संयुक्त वाक्य। इसको हम सरल वाक्य बनाएंगे, सवेरा होते ही हम चल दिए। तो देखिए यहाँ पे जो हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्रिया का रूप बदला, हुआ को लिखा होते ही, तो ये क्रिया का हमने रूप बदला और वाक्य का अर्थ नहीं बदला, तो सवेरा होते ही हम चल दिए। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम सवेरा होते ही चल दिए, यानी कि इस तरह से हमने क्रिया का रूप बदलकर सरल वाक्य में इसको बदला और इसका कोई अर्थ भी नहीं बदला, यानी कि उसका अर्थ भी सेम है। इसी तरह से आगे हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करते समय मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना हम सीखेंगे। पहले वाक्य के उपवाक्यों से पहले लगे जो, वह, जिसने, वह, जो, वे, जिन्होंने, वे, जहां, वहां, की, क्योंकि आदि शब्दों को हटा दें, उसके बाद में दोनों उपवाक्यों को ऐसे जोड़े कि उनके वाक्य का अर्थ न बदले। जैसे मिश्र वाक्य है, दादाजी की इच्छा है कि अच्छा घर बनवाएं, तो देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है कि, तो इसको हम सरल वाक्य में बनाएंगे, दादाजी की इच्छा अच्छा घर बनवाने की है। तो इस तरह से हमने ये सरल वाक्य बनाना सीखा। देखिए आगे जब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे कि मिश्र वाक्य है, जब मैंने ये कविताएं पढ़ी तो मेरी आँखें नम हो गई, ये तो है मिश्र वाक्य, इसको हम सरल वाक्य में बनाएंगे। इन कविताओं को पढ़कर मेरी आँखें नम हो गई, तो ये है सरल वाक्य। ठीक है, आगे हम जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करेंगे तो सरल वाक्य से हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। सरल वाक्य को ऐसे दो खंडों में हम बांटेंगे जिनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। इसके बाद उन दोनों उपवाक्यों को जो, वह, जिसने, वह, जो, वे, जिन्होंने, वे, जहां, वहां, की, क्योंकि आदि शब्दों से जोड़ दीजिए, यानी कि उनको आदि शब्दों से हम इन शब्दों से हम जोड़ देंगे। जैसे हम उदाहरण बनाकर हम देखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाने वाली अध्यापिका ही हिंदी पढ़ाएंगी, तो इसको जो ये सरल वाक्य है इसको हम मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मिश्र वाक्य, जो अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाती है वही हिंदी पढ़ाएगी, तो देखिए यहाँ पर जो और वही लगाकर हमने मिश्र वाक्य बनाया। आगे हम जब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे,
जैसे सरल वाक्य है, सवेरा होने पर सूरज निकलेगा, तो इसको हम मिश्र वाक्य बनाएंगे, जब सवेरा होगा तब सूरज निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब और तब जोड़कर हमने मिश्र वाक्य हमने बनाया। तो आपको ये वाक्य परिवर्तन समझ में आया होगा। आगे हम इसका दूसरा भाग हम आगे लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।